हेलो, आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि 2022 की रिक्रूटमेंट आई हुई है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ऑन द रेगुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो पोस्ट है कि मतलब रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो आई हुई है उनके लिए जो ऑफिसर पोस्ट है उसकी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट डिवीजन ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हेड ऑफिस मुंबई। मतलब यहाँ से ये डायरेक्ट, क्योंकि कोई भी रिक्रूटमेंट जब आती है हमारी किसी भी बैंक की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो वहाँ के हेड ऑफिस से, जो भी वहाँ का ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, वहाँ से आती है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पोस्ट किसके लिए है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ कि आपका जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है वो ऑलरेडी 26 से स्टार्ट हो चुका है। 10/5/2022 तक लास्ट डेट रहेगी। 1/12/2021 रिलेवेंट डेट ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी मतलब एक्सपीरियंस और एज क्वालिफिकेशन की जो आपकी डेट होगी वो काउंट होगी दिसंबर से। मतलब यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, बाकी ये थोड़ा सा एक अजीब पॉइंट है, अदरवाइज बैंक एग्जाम में जिस मंथ में फॉर्म फिल हो रहा होता है वहां पर ही वही एज काउंट की जाती है। मतलब ये जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म भरने की होती है, सेम डेट आपका एज क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, लेकिन इन्होंने क्यों आपसे दिसंबर 12 का ये मांगा है ये कुछ अपन नहीं बता सकते। ये इनकी खुद की मतलब कोई पॉलिसी या कुछ तो ऐसे रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हैं वो किस किस के लिए आई हैं। तो जो रेगुलर वैकेंसीज आई हैं वो आई हैं इकोनॉमिस्ट के लिए, स्टैटिक ऑफिसर होगा, रिस्क मैनेजर, क्रेडिट एनालिस्ट, क्रेडिट ऑफिसर और टेक्निकल अपैरल, आईटी ऑफिसर, डेटा सेंटर, इनके लिए ये हमारी पोस्ट आई है। फिर सेकेंड जब हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आई है, तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का ऐसा होता है कि ये कुछ टाइम के लिए होती है कि 1 साल का या 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपको दिया जाता है कि आपको इतने टाइम काम करना है। वो भी अच्छा पोस्ट होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई भी जॉब नहीं है तो फिर तो ये भी बहुत ही बढ़िया है, और इसका एक्सपीरियंस मिल जाता है तो वो आपका आगे काउंट होगा। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो मैनेजर आईटी है, सीनियर मैनेजर है, मैनेजर आईटी डेटा सेंटर, सीनियर मैनेजर डेटा डेटा सेंटर, सीनियर मैनेजर नेटवर्क रूटिंग स्विचिंग। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्पेशली आई है ये आई है आईटी वाले लोगों के लिए, जो आईटी एक्सपर्ट लोग हैं, क्योंकि ये सारी पोस्ट कहीं ना कहीं आपके कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। मतलब इसमें आई थिंक अभी हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा, लेकिन जिन्होंने एमसीए या बी जिन्होंने की होगी सीएसआईटी से, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी हम आगे बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की बात में क्या है। तो सबसे पहले क्या है, बात करने वाले हैं कि एज क्या है। तो इकोनॉमिस्ट, स्टैटिक और रिस्क मैनेजर के लिए 28 से 35 ईयर्स है। मतलब जो आपकी मिनिमम एज है, मिनिमम 28 होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 35 होना चाहिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि क्रेडिट एनालिस्ट की जो पोस्ट है वो टोटल 53 पोस्ट है, और उसकी जो एज है वो 30 ईयर्स से 38 होना चाहिए। मतलब क्रेडिट एनालिस्ट में आपका मिनिमम 30 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 38 ईयर्स होना चाहिए। क्रेडिट ऑफिसर में 484 से सबसे ज्यादा पोस्ट आई है, और आई थिंक ये क्रेडिट ऑफिसर का जो पोस्ट है ये इन्होंने मांगा होगा एमबीए और सीए समथिंग लाइक दिस ही मांगा होगा। 20 और 30, मतलब ये वाला जो क्राइटेरिया है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे क्रेडिट ऑफिसर वाले पोस्ट में। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो आएंगे, जो कुछ एक्सपीरियंस है वो आएंगे। टेक अप्रेजल में आएगा 25 ईयर्स टू 30 35 ईयर। आईटी ऑफिसर डेटा सेंटर इनका यदि हम देख लेते हैं तो उनका 20 टू 30, मैनेजर आईटी 28 टू 35, सीनियर मैनेजर आईटी 28 टू 37, मैनेजर आईटी डेटा सेंटर 28 37, ये सारी हमारी पोस्ट आई है। उसके बाद ऐसे ही हम देख लेते हैं कि सीनियर मैनेजर आईटी, सीनियर मैनेजर नेटवर्क सिक्योरिटी, सीनियर मैनेजर नेटवर्क राउटिंग एंड स्विचिंग स्पेशलिस्ट, ये होगा हमारा 6 5 10 पोस्ट है, और इसमें 28 से 37 मांगा है। जब भी आपकी एज जो भी है 25 से अबव जाती है तो उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं हमेशा। दैट मीन्स ये जो नीचे वाली सारी पोस्ट है, मैनेजर डेटा सेंटर, स्टोरेज, बैकअप एंड ऑल दीज, सारे में एक्सपीरियंस मांगा जाएगा।
क्योंकि आपको ये दिखता है ना 28, दैट मींस यू आर एक्सपीरियंस, यू आर वर्किंग समवेयर और यू हैव वर्क फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगे. अब देखो, जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात आई तो इन्होंने दिया है इकोनॉमिस्ट मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. यही समझ में आ गया कि इन्होंने इकोनॉमिस्ट में क्या मांगा है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. स्टैटिक की बात हम कर सकते हैं, तो मास्टर डिग्री इन स्टैटिक्स अप्लाइड स्टैटिक्स विथ 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब यहाँ पर आपने स्टैटिक, अब ये 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस भी पता कैसे काउंट होगा, दैट मीन्स दैट यू आर वर्किंग इन सेम फील्ड फ्रॉम लास्ट 4 ईयर, और या फिर आपने पहले कभी 4 साल उस फील्ड में काम किया है. अभी हो सकता है आप ब्रेक पे हो, ऐसा कुछ भी चल जाएगा, लेकिन फील्ड आपकी यही होनी चाहिए स्टैटिक वाली. रिस्क मैनेजर, जो रिस्क मैनेजर में इन्होंने मांगा है क्या, हमारा CA, CFA, CIA, प्रोफेशनल रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेट विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. दैट मीन्स यदि आपने CA किया हुआ है, जब भी ये स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है बैंक्स में, तो वो विथ एक्सपीरियंस ही आती है. ये जो पोस्ट आती है वो हमेशा किसके साथ आती है, आपकी एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, और ऑलवेज फॉर रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट एनालिस्ट. इनकी ही ये जो पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यही ज्यादा होती है. मींस क्रेडिट ऑफिसर में ज्यादा मिलेंगी आपको, क्रेडिट एनालिस्ट में ज्यादा मिलेंगी, इधर पर ज्यादा मिलेंगी. उसके बाद हम देखते हैं क्रेडिट एनालिस्ट, MBA इन फाइनेंस, PGDM इन फाइनेंस, CA, ICWA विथ 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. मतलब आपका पहले कभी MBA इन फाइनेंस होना चाहिए या आपने CA किया होना चाहिए और आपके पास विथ 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए. अब हम बात करते हैं क्रेडिट ऑफिसर की. क्रेडिट ऑफिसर ये वो वाली पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है. इसमें हम बात करेंगे तो इन्होंने क्या मांगा है, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 60% ऑफ मार्क्स विथ MBA, PGDBM, फाइनेंस, बैंकिंग, मास्टर्स डिग्री इन कॉमर्स साइंस. मतलब आपने बैचलर डिग्री किया होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए. बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 60% मार्क्स, सॉरी, विथ MBA, PGDM, MBA, मतलब आपने MBA किया होना चाहिए या फिर PGDM होना चाहिए, बैंकिंग में होना चाहिए, मास्टर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए, साइंस, इकोनॉमिक्स और CA वाले भी चल जाएगा. ईयर अपियर्ड कैंडिडेट ऑल्सो एलिजिबल, दैट मीन्स फाइनल ईयर ईयर कैंडिडेट इज ऑल्सो एलिजिबल. दैट मीन्स द कैंडिडेट हु इज गोइंग टू गिव दर लास्ट सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो भी अपना MBA या मास्टर्स डिग्री का दे रहे होंगे वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं. और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वाली पोस्ट के लिए नो एक्सपीरियंस. ओके, आईटी ऑफिसर डेटा सेंटर. देखो, मैंने पहले ही बोला था कि ये जो भी टेक्निकल अप्रेजल और आईटी ऑफिसर डेटा सेंटर है, इसमें क्या मांगा है, बीई इन CSE, IT, EC, MCA, MSc, IT विद 60% ऑफ मार्क्स एंड 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये मैंने पहले ही बोला था. उसके बाद हम देख लेते हैं बीई डिग्री इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर प्लांट, पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मैथोलॉजिकल, सॉरी, मेट्रोलॉजिकल, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, फार्मेसी एक्सेट्रा. बहुत सारे इसमें इन्होंने डिग्री दिया है. प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. ये हमने बात कर ली अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की. अब हम बात कर लेते हैं कि जो उनका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है वो कैसे होने वाला है. जब भी कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की या ऐसे पोस्ट आती है जब बैंक अपना अलग से देता है, दैट मीन्स सिंगल एग्जाम, नो प्री नो मेंस. जो भी एग्जाम होगा एक ही एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होगा. तो सबसे पहले क्या आना है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज आना है, दैट ऑफ 50 50 मार्क्स, नो टाइम ड्यूरेशन. मतलब कोई भी ऐसे सेक्शनल टाइम नहीं है. प्रोफेशनल नॉलेज ऑफ 100 मार्क्स. उसके बाद जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग इंडस्ट्री. ये यदि ये दिया है ना, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग इंडस्ट्री, दैट मीन्स जो भी चीजें आएंगी वो बैंकिंग इंडस्ट्री से आएंगी. और वो हमारे कितने की है, 25 क्वेश्चन आने हैं. मतलब आपको जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है किस चीज पर, प्रोफेशनल नॉलेज पर दिया जा रहा है. आपका अपना नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. इंग्लिश यदि आप MBA कर रहे हो किसी फील्ड से, आप CA कर रहे हो, आप ऐसी डिग्रीज आपके पास है, दैट मीन्स यू आर ऑलरेडी गुड इन इंग्लिश, तो आप उसको कर सकते हो. और आपने ये चीजें तो पढ़ी ही हैं. प्रोफेशनल डिग्री का मतलब ही ये होता है कि आपने पढ़ के, मतलब
पढ़ के एग्जाम्स दिए हैं, उसके बाद हम जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो ये सिर्फ 25 मार्क्स का आना है। तो आप इसमें भी देखेंगे कि बैंकिंग इंडस्ट्री वाला आना है, मतलब स्पेशली जो अभी लास्ट दिसंबर से काउंट देखना पड़ेगा, दिसंबर से, क्योंकि हम देखेंगे कि इन्होंने जो एज क्राइटेरिया रखा है वो दिसंबर रखा है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल और जो भी मंथ आते हैं उनका सिर्फ करेंट अफेयर्स पढ़े, वो भी सिर्फ बैंकिंग इंडस्ट्री का, बहुत ज्यादा सब कुछ पढ़ना नहीं है। टोटल आपका 175 मार्क्स का पेपर होगा, 2 आवर्स 30 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, बहुत टाइम मिल रहा है। मतलब आपको देखो ना, सारा थियोरेटिकल पेपर करना है, कोई भी ऐसे पेपर करना ही नहीं है कि जहां आपको सॉल्व करना हो तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक हिसाब से तो मुझे पेपर पैटर्न ही बहुत अच्छा लगा इस वाले एग्जाम का, कि सिर्फ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, मैथ रीजनिंग भी छोड़ दिया गया है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 अप्रैल, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10 मई तक होना है लास्ट डेट। टेंटेटिव डेट अभी, ये भी बाद में नोटिफाई कर दी जाएगी, ये अभी इन्होंने कोई भी डेट नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स, अब ऐसा है कि एग्जाम फॉर्म आने लगे हैं तो शेड्यूल होते जा रहे हैं, तो ऐसे डेट्स मिलना भी बहुत इजीली डेट्स मिलना मुश्किल हो जाती है। थैंक यू वेरी मच, आप इस फॉर्म को भरिए और प्रिपेयर करिए। इसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि इसमें क्या क्या आपके पर्क्स होते हैं, ये जो ऑफिसर्स वाली जॉब होती है, और सबसे जो वो होता है ना, हैंडसम सैलरी, इनका बेसिक ही 53,000 से स्टार्ट होता है। ये बेसिक मैं बता रही हूँ कि इनका जो बेसिक स्टार्ट होगा ना, वो 53,000 से स्टार्ट होगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।